Hi viewers, welcome to my channel JS Academy Education for All. आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपोजिशन के हवाले से है. लास्ट टॉपिक में हमने कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था. कंपोजिशन हमारी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है जो हमें काम करने के एक्सचेंज में प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग द जॉब. इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट कंपोजिशन और इनडायरेक्ट कंपोजिशन. डायरेक्ट कंपोजिशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इनडायरेक्ट कंपोजिशन के अंदर कौन सी चीज़ आती है. जो डायरेक्ट कंपोजिशन होती है वो हमारी वेज और सैलरी के साथ यानी कि बेसिक पे पर डिपेंड करती है, और जो इंसेंसिटिव इसके अंदर और इंसेंसिटिव जो होते हैं उनमें कमीशन आ जाता है, पीस रेट आ जाता है, बोनस आ जाते हैं, स्टॉक ऑप्शंस आ जाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग आ जाते हैं डायरेक्ट कंपोजिशन का. इसका लिंक हमारी बेसिक पे के साथ होता है. और इनडायरेक्ट कंपोजिशन में हमारे पास जो कि पे फॉर टाइम नॉट अ वर्क, आप काम करें लेकिन काम नहीं कर रहे लेकिन आपको इस चीज़ की पेमेंट की जा रही है. वेकेशन आ जाती है, ब्रेक्स आ जाती है, हॉलीडे आ जाती है, सर्वे सिक डेज आ जाती है, ज्यूरी ड्यूटीज आ जाती है यानी कि मुख्तलिफ ड्यूटीज लगती है इलेक्शन के दिनों में या पोलियो डे की सूरत में या किसी और या मरदमशुमारी के लिए एम्प्लॉयज़ की जो ड्यूटीज़ वगैरह लगती है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की, तो उसका भी आपको पे किया जाता है. इंश्योरेंस प्लान आ जाता है, मेडिकल डेंटल लाइफ्स, और इसके अंदर दूसरे प्लान कौन से होते हैं, पेंशन आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है, सोशल सिक्योरिटी आ जाती है, डिसबिलिटी आ जाती है. एम्प्लॉय सर्विस में आ जाता है, एजुकेशनल असिस्टेंट की आपको कंपोजिशन फ्राहम की जाती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम क्रिएशनल रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं, और फूड सर्विस फ्राहम की जाती है. इनको मज़ीद डिटेल के डिटेल में जानेंगे. टाइप्स ऑफ कंपोजिशन में हम जो हमारी कंपोजिशन है इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं. डायरेक्ट कंपोजिशन, डायरेक्ट कंपोजिशन आपकी रेफ़र करती है फाइनेंशियल बेनिफिट्स को, और ये डायरेक्टली रिलेट होती है आपकी सैलरी और वेजेस के साथ. ठीक है, इसे विद इन लाइन ये इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी के फ्राहम करने के लिए वो विद इन लाइन सेट किए जाते हैं. इंश्योर किया जाता है कि दे आर गेटिंग पेड फेयरली, के इस बात की इंश्योरेंस दी जाती है कि उन्हें फेयरली पे किया जा रहा है. इट हेल्प एम्प्लॉयर्स नॉट टू वरी, कि ये एम्प्लॉयज़ को मदद करती है नॉट टू वरी अबाउट दी कॉस्टली लॉस ऑफ ट्रेन स्टाफ टू दी कंपटीटर. डायरेक्ट कंपोजिशन में हमारे पास सबसे पहले बेसिक सैलरी आ जाती है. बेसिक सैलरी या प्राइमरी कंपोनेंट है किसी भी कंपोजिशन मैनेजमेंट का. ठीक है, ये रेफर करती है प्राइमरी सैलरी को, विच एन एम्प्लॉयज रिसीव बिफोर एडिंग एनी इंसेंसिटिव अलाउंस. ठीक है, बेसिक सैलरी विच एम्प्लॉयज गेट टू टेकन होम्स, जो कि उन्होंने घर लेके जानी है, होम मोस्टली इट 40-60% होती है ऑफ कॉस्ट ऑफ कंपनी के लिहाज से. ठीक है, जो उन्हें रिसीव होती है वो कंपनी के 40-60% के लिहाज से एम्प्लॉयज़ को दी जा सकती है. मुख्तलिफ अदारों में प्राइवेट की कंपनीज में मुख्तलिफ प्राइवेट्स के जो अदारे होते हैं उनमें मुख्तलिफ बेसिक सैलरीज होती है, और जो गवर्नमेंट्स के होते हैं उनमें मुख्तलिफ रेट होता है. रेंटल अलाउंस, रेंटल अलाउंस क्या ये भी डायरेक्ट कंपोजिशन के साथ लिंक करता है. ठीक है, जो एम्प्लॉय को प्रोवाइडिंग करता है सेफ्टी इंश्योरेंस करता है एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, इट इज़ गिवन टू एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है हु लिव ऑन रेंटल अकोमोडेशन, जो रेंटल अकोमोडेशन पे रहते हैं, टू लोअर देयर टैक्स रेट. ठीक है, जिन टैक्स रेट को लोअर करता है. ऑन द अदर हैंड इफ़ द एम्प्लॉय अकोमोडेशन इज नॉट रेंटल दिस अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, ये फुली टैक्सेबल होता है. मेडिकल अलाउंसेस दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, फिक्स अलाउंस होता है दैट प्रोवाइड एन एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ एनी हॉस्पिटल बिल्स आर एनी थिंग, यानी कि हॉस्पिटल की पेमेंट की जाती है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, अगर कोई एमरजेंसी हो तो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाए काफ़ी अच्छे के लिए, तो वो कंपनी जो है मेडिकल अलाउंस फ्राहम करती है अपने एम्प्लॉयज़ को. मेडिकल कम्स वेरी बेसिक थिंग्स विच पीपल रिक्वायर्ड, सो प्रोवाइड दिस बेसिक सिक्योरिटी
इंक्रीज इम्प्लाइज रिटेंशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वजह से इम्प्लाइज की रिटेंशन बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ट्रैवल अलाउंस क्या है कि अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप फील्ड वर्क कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको बिल पे करती है एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल वर्क का, ठीक है। बट ऑर्गेनाइजेशन हैव प्रोवाइड द एम्प्लॉयज़ अलाउंस टू ट्रैवल टू ऑफिस एंड फ्रॉम ऑफिस, यानी कि ऑफिस से लेके ऑफिस तक जाने का पे करती है, ठीक है। ट्रैवल अलाउंस ये नहीं कि आप ऑफिस से घर जा रहे हो तो वो आपको इस चीज़ का पे करेगी, लेकिन नहीं, आप ऑफिस से ऑफिस काम कर रहे हो या फील्ड वर्क कर रहे हो या किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहे हो तो उस चीज़ का वो आपको पे करेगी। नेक्स्ट आ जाता है बोनस डेकम्पोजिशन का। बोनस क्या है, जो कि एनुअल सूरत एनुअल यानी कि दिया जाता है, यानी कि ईयर में एक दफ़ा दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और ये इस तरह भी हो सकता है कि अगर आपके कोई फेस्टिवल है या कोई त्यौहार आ गया है या कोई एम्प्लॉयज़ को ना साल में एक दफ़ा सिर्फ फ्राहम किया जाता है। टू शो, ये इस चीज़ को शो करता है, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड दी बोनस टू मेक देयर एम्प्लॉयज इज द फेस्टिवल मोर इंजॉयबल एंड एनुअल एडिशन टू देयर सैलरीज। हर कंपनी का, हर अदारे का बोनस देने का मेथड डिफरेंट होता है। कोई 6 मंथ के बाद बोनस देते हैं, कोई साल में एक दफ़ा देते हैं। ज़्यादातर जो बोनस है वो साल में एक दफ़ा दिया जाता है, वो भी डिफरेंट कंट्री में। ये डे ऑफ बोनस इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री। लाइक अमेरिका में बोनस दिया जाता है न्यू ईयर पे, अगर हिंदुस्तान है, इंडिया है, तो वहाँ बोनस दिया जाता है दिवाली पे। अगर पाकिस्तान है, वहाँ पे बोनस दिया जाता है ईद पे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में दो दफ़ा दिया जाए, क्योंकि एक छोटी ईद पे और एक बड़ी ईद पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड और ग्रीक में भी इस साल में एक दफ़ा दिया जाता है। लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस का एक पहले था ट्रैवल अलाउंस, वो ऑफिस टू ऑफिस होता है। और जो लीव ट्रैवल अलाउंस है ना, ये इससे डिफरेंट है, ठीक है। लीव ट्रैवल अलाउंस में ये होता है कि अलाउंसेज असिस्टेंट रिसीव बाय एम्प्लॉयज फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर ट्रैवलिंग ऑन लीव, यानी कि वो लीव पे गया है, ठीक है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक मुल्क से एक शहर से दूसरे शहर पे। थ्रू इट साउंड सिंपल, मैनी फैक्टर्स नीड टू बी कैप्ट इन माइंड बिफोर प्लानिंग द ट्रैवल टू क्लेम। इसे LTA एग्जम्पशन के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशल अलाउंस में क्या आ जाता है, विद डिफरेंट इन ईच कंपनी। सम कंपनी ग्रांट दीज अलाउंस ओवर द कंप्लीशन ऑफ सम टास्क आर ड्यूटी। आल्सो दी अलाउंस इज प्रोवाइड टू एम्प्लॉयज एफिशिएंसी के तौर पे दिया जाता है स्पेशल अलाउंस। अगर कोई एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहा है, उसे स्पेशल बोनस फ्राहम किया जाता है, ठीक है। उसका इंक्रीमेंट किया जाता है, उसका ग्रेड अप किया जाता है, ठीक है। ये स्पेशल अलाउंसेज में आ जाता है। इनडायरेक्ट कंपोजिशन क्या है, इनडायरेक्ट कंपोजिशन आर आर नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स होता है दैट गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है। मोस्टली टाइप ऑफ कंपोजिशन मैनेजमेंट आर यूज टू इंक्रीज दी एम्प्लॉयज मोटिवेशन, यानी कि इनडायरेक्ट कंपोजिशन इसलिए दिया जाता है कि इसे एम्प्लॉयज की मोटिवेशन इंक्रीज हो और वो अच्छे से कंपनी में काम कर सके। डिफरेंट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट कंपोजिशन इन कंपोजिशन मैनेजमेंट, सबसे पहले ओवर टाइम पे पॉलिसी आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाती है, हॉलीडेज का पेमेंट आ जाती है, लीव पॉलिसी आ जाती है, मेडिकल्स आ जाती हैं। इनडायरेक्ट कंपोजिशन में सबसे पहले हमारे पास ओवर टाइम पॉलिसी आ जाती है। ओवर टाइम पॉलिसी क्या, यानी कि आप अगर एक कंपनी या किसी भी अदारे में ओवर टाइम कर रहे हो तो उस चीज़ का आपको पे किया जाएगा, ठीक है सर। तो उस चीज़ का आपको पे करते हैं ओवर टाइम पे की सूरत में। पॉलिसी दी नंबर ऑफ ओवर टाइम इन पार्टिकुलर टाइम ए पीरियड विच कॉन्स्टिट्यूट ओवर टाइम पॉलिसी एंड ओवर टाइम कंपोजिशन। सिंस द मोस्ट केस्ड इट इंक्लूड सम एडिशनल अलाउंसेज इन सैलरी, यानी कि आपकी सैलरी में कुछ अलाउंसेज ऐड कर दिए जाएंगे। बट सम केसेज इट्स आल्सो स्टे, कुछ केसेज में ऐसा होता है सम एडिशनल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक प्रमोशन, हॉलीडेज या इंक्रीमेंट ऐड किया जाता है ओवर टाइम पे की सूरत में। इनडायरेक्ट कंपोजिशन में आपको हॉस्पिटल के जो खर्चे वगैरह हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, डिफरेंट बेनिफिट दिए जा सकते हैं रिलेट टू
हॉस्पिटल लाइक मेडिकल इंश्योरेंस ली जा सकती है, मेडिकल बिल पेमेंट हो जा सकती है, कंसेशन हो सकती है इन सिलेक्टेड हॉस्पिटल कंपनी या जो भी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या चाहे गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट है, वो उनके जो हॉस्पिटल रेफर के करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उस उनमें आपको कंसेशन की जा सकती है कि अगर आप वहाँ से अपनी कोई भी इलाज वगैरह करवाते हो। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ CGHS प्रोवाइड फ्री मेडिकल सर्विसेज फॉर सर्टन प्रॉब्लम इन स्पेसिफाई हॉस्टल। उनके कुछ ऐसे हॉस्पिटल उन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस हो जाती है कि मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स के इदारे हैं वो आपकी इंश्योरेंस करते हैं, आपकी पॉलिसी देते हैं, आपकी लाइफ पॉलिसी के हिसाब से, कार की इंश्योरेंस के हिसाब से, मुख्तलिफ किस्म की आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। लीव ट्रैवल में क्या आ जाता है, कंपनी प्रोवाइड लीव फॉर ट्रैवल एज वेल एज मोटिवेट इम्प्लाइज, इम्प्लाइज को मोटिवेट करती है टू डू दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड दी फैसिलिटी ट्रैवल टू बूस्ट देयर मोटिवेशन एंड गिव देयर इम्प्लाइज ए ब्रेक फ्रॉम देर रूटीन, यानी कि उन्हें थोड़ा बहुत लीव ट्रैवल अलाउंस देती है, यानी कि उन्हें छुट्टियों पे भेज के उसका अलाउंसेस देती है, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हों और वो फ्रेश होके अच्छी से कंडीशन में आकर अच्छे से काम कर सके। रिटायरमेंट अनदर की फैक्टर ऑफ इन ह्यूमन लाइफ इज प्लानिंग एंड सेविंग फॉर रिटायरमेंट, ठीक है। रिटायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंटेक कंपोजिशन का। इंक्रीज इम्प्लाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट विच हेल्प इम्प्लाइज टू फील सम सिक्योर एंड मोटिवेट, ठीक है। हॉलीडेज होम्स आर लाइक प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स फॉर अकोमोडेशन होता है वाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के दौरान आपका अकोमोडेशन के बेनिफिट्स जो होते हैं वो हॉलीडेज होम होते हैं। इन सच केस दी ऑर्गेनाइजेशन ओन सम डिफरेंट हॉलीडेज होम इन डिफरेंट लोकेशन पर प्रोवाइड करती है एंड प्रोवाइड देम टू इम्प्लाइज एट लोअर कॉस्ट ऑफ वेकेशन, ठीक है। फ्लेक्सिबल टाइम, और ऐसे भी इंटरेक्ट कंपोजिशन में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आ जाते हैं कि एम्प्लॉय जो कंपनी आपको एक ऐसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर प्रोवाइड कर देती है कि आप अपनी मर्जी से इस टाइम पे काम करके हमें अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। गिविंग फ्लेक्सिबल टाइम ऑफ लिविंग एंड कमिंग टू ऑफिस प्रोवाइड देम टाइम टू कंप्लीट अदर।